डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वर्क फंक्शन के बारे में। तो वर्क फंक्शन जो है, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज वर्क फंक्शन। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डब्ल्यू नोट इक्वल्स टू एच इंटू न्यू नोट, या फिर एच सी अपॉन लेमडा नोट, वेयर एच प्लैंक कॉन्स्टेंट होता था, न्यू नोट थ्रेस होल्ड फ्रिक्वेंसी है, लेमडा नोट जो है ये थ्रेस होल्ड वेवलेंथ है, सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर और वैक्यूम। तो आज हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन अपने को गिवन है, देखो, इफ थ्रेस होल्ड वेवलेंथ फॉर ए मेटल इज 6.62 × 10⁻¹⁹ मीटर, देन फाइंड द वर्क फंक्शन फॉर दैट मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी मेटल है, उसके लिए थ्रेस होल्ड वेवलेंथ अपने को गिवन है। तो देखो क्वेश्चन में हम लिखेंगे, गिवन है अपने को थ्रेस होल्ड वेवलेंथ, दैट इज लेमडा नोट, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है 6.62 × 10⁻¹⁹ मीटर। क्लियर है। उसके बाद वर्क फंक्शन अपने को कैलकुलेट करना है, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो वर्क की ही एक यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वर्क की होती है जूल, और एक प्रैक्टिकल यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ये जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन है। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें जो एनर्जी निकलेगी वो अपनी जूल में आएगी, फिर इस रिलेशन की हेल्प से हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1 upon this 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू जूल। तो जूल की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। तो डब्ल्यू नोट होता है अपना, देखो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू नोट इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा नोट, क्योंकि लेमडा नोट गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर फ्रिक्वेंसी गिवन होती तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते, तो डब्ल्यू नोट हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा नोट। वैल्यू पुट करते हैं, देखो जो एच है ये प्लैंक कॉन्स्टेंट है, तो प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻¹¹34। उसके बाद जो c है स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा नोट अपने को गिवन है 6.62 × 10⁻¹⁹। इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो देखो 6.62 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻¹34 और ये 8 है, तो ये बचेगा इधर, देखो 3 × 10⁻¹⁶ डिवाइडेड बाई 10⁻¹⁹। तो 10⁻¹⁹ से 9 कैंसिल हो जाएगी, तो ये ऊपर बच जाएगी अपनी 3 × W0 = 3 × 10⁻¹⁷ जूल। तो ये जूल में आ गई अपना वर्क फंक्शन। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं किस रिलेशन से, तो इलेक्ट्रॉन जूल की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो ये हो जाएगा देखो 3 × 10⁻¹⁷। तो जूल की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखो ये 3 upon 1.6 × 17 से 17 कैंसिल हो जाएंगी, 10⁻¹⁪ बचेगा यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज आंसर। इसको सिंपलीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये आंसर है अपना। थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम मेटल इफ वर्क फंक्शन फॉर सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो अपने को गिवन है क्वेश्चन में,
वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन जिसको हम फाई नोड से डिनोट करते हैं या डब्लू नोड से, दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो अपने को पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.14 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। क्लियर है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज ऐसा यूनिट वर्क की जूल होती है। उसके बाद अपने को फाइंड आउट करना है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू नोड से डिनोट करते हैं, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो देखो फॉर्मूला होता है अपना, डब्ल्यू नोट इक्वल्स टू एच इंटू न्यू नोट। तो यहां से न्यू नोट को हम लिख देंगे, न्यू नोट इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू नोट डिवाइडेड बाई एच। डब्ल्यू नोट की वैल्यू देखो गिवन है क्वेश्चन में 2.14 × 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाई एच। एच होता है प्लैंक कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज 6.62 × 10⁻¹⁴। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 19 पावर से 19 कैंसिल हो जाएंगी, इधर 15 बचेंगी नेगेटिव और ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी 15। तो ये हो जाएगा 2.14 × 1.6 / 6.62 × 10⁻¹⁵। यूनिट जो होता है फ्रीक्वेंसी का वो हर्ट्स होता है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वर्क फंक्शन से रिलेटेड। उसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो मिनिमम वर्क फंक्शन किस मेटल के लिए होता है, तो आंसर है सीजियम के लिए। और मैक्सिमम जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है प्लेटिनम के लिए। सीजियम के लिए होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फॉर प्लेटिनम इट इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? उससे उसके बाद आपने देखा होगा जो अपने डेली लाइफ में हम सोलर सेल यूज करते हैं, तो उसमें भी जो प्लेट होती है वो सीजियम की प्लेट ही हम यूज करते हैं, बिकॉज उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बिल्कुल आसान होता है, कम एनर्जी लगती है। इसलिए हम फोटो जो सेल होते हैं या जो सोलर सेल होते हैं वहां पर जो प्लेट हम यूज करते हैं वो सीजियम की प्लेट लेते हैं। थैंक यू।